So hey guys, it's me Deep Life back again with another video. थोड़े ही दिनों में मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, मतलब ये वीडियो पास्ट में शूट हुआ है, उसका बर्थडे आके गया होगा जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, बिकॉज आई अपलोड ऑन संडेज। तो बात ऐसे हुई कि लॉकडाउन है और मेरे भाई के पास टू बी ऑनेस्ट सारी चीजें हैं जो मैं उसको दे सकता हूँ। लास्ट बर्थडे मैंने वॉच दिया, अभी उसके पास वॉचेस का भी बहुत सुंदर कलेक्शन हो गया। तो गाइज मैं सोच रहा था इस बर्थडे मैं उसको ऐसा क्या स्पेशल दूं जिससे उसका दिन बन जाए। अभी आपके पास भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन रहेंगे जिनके पास बहुत सारी चीजें अमीर है। वैसे हमेशा मैं मेरे भाई को बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल देता नहीं हूँ, पर कोशिश जरूर करता हूँ। तो मुझे याद है एक पेंटिंग के बारे में जो मैंने उसको दी थी बहुत सालों पहले, वो पेंटिंग कुछ इस तरह दिखती है। और तभी आप देख सकते हो मेरी आर्ट स्किल जो थी इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड माय स्टाइल। हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक अलग सी स्टाइल होती है और वो उसको जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा होता है। तो पेंटिंग में आप देख सकते हो मेरी एक अलग सी स्टाइल है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ इस पेंटिंग को रीटच करूँ, मेरी नई स्टाइल जो है उससे इस पेंटिंग को नया बनाऊ, एंड अभी मतलब 2020 जो मेरी डीप लाइफ स्टाइल है उसमें बनाऊ। अभी मेरे भाई का भी लुक काफी ज्यादा चेंज हो गया है, पहले वो कुछ इस तरह दिखता था, अभी उसकी दाढ़ी बड़ी है, बाल लंबे हैं। 3 साल हो गए इस पेंटिंग का, थोड़ी ना तो लुक सेम रहने वाला है। मेरा ही खुद का लुक इतना ज्यादा चेंज हो गया तो एब्सोल्युटली उसका तो होगा ही। तो ये वीडियो देख के आपको आइडिया आएगी कि आर्टिस्ट की स्टाइल ओवर द टाइम कैसे इवॉल्व होती है, और मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई की रिएक्शन भी इंक्लूड कर लूं। रात को 12 बजे केक काटते हैं तो पता नहीं भाग दौड़ में हो पाएगा या नहीं। मेरा भाई मुझसे 8 साल बड़ा है और इतना बड़ा होने के कारण हम लोग में एक फादर सन रिलेशनशिप टाइप ही है। हम लोग हंसी मजाक करते हैं पर मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े सीरियस ही रहते हैं। वो वीडियो मेरे सारे देखता है, ये भी देखेगा। जस्ट वॉन्टेड टू से कि आई लव यू अ लॉट, दिस इज समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर यू फॉर आवर लव। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो या सो अभी शुरू कर सकते हैं। Oh,
जस्ट आपको साइज दिखाता हूँ, पेंटिंग इतनी बड़ी है, कुछ इस तरह बनी है। इसमें टेक्सचर बहुत ही ज्यादा है क्योंकि पिछली पेंटिंग पे ऑलरेडी पेंटिंग पे मैंने पेंटिंग की है, तो मैंने बहुत गाढ़े कलर्स इस्तेमाल किया और कलर्स इस्तेमाल करने में कोई कंजूसी नहीं करता। कलर स्कीम काफी वाइब्रेंट है और 5-6 साल में जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस होती है फेस पे वो थोड़ी सी ऐड की है। देन जो गोल्डन पेंट यूज किया है वो एक एंगल पे चमकता है, पता नहीं वो इफेक्ट इधर कैमरा में दिख रहा है या नहीं। एट नाइट लाइक व्हेन आई वाज कमिंग बैक, सो उसके चेहरे पे जो स्माइल थी व्हाइल क्लोजिंग द डोर, इट सेड इट ऑल के भाई उसको कितनी ज्यादा पसंद आई। सो इन केस यू वांट टू गेट समथिंग मेड फ्रॉम मी ऐसी पेंटिंग्स तो जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करिए। दिस इज माई मेल आईडी, आप मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो गाइज, यूट्यूब पे बहुत लोग व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं, व्यूज से ही बहुत आर्टिस्ट के पैसे आते हैं। मैं जब भी पेंटिंग्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ व्यूज कम आते हैं। कस्टम्स पे आप लोग तो आग लगा देते हो, पर कैसे है ना, ये वीडियो थोड़ा खास है, इस पे मुझे दर्दी चाहिए, गर्दी नहीं चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द वीडियोस इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि आप लोग कुछ सीखे DIY से या आर्ट वर्क से, पर ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे भाई के लिए था कि भाई आई लव यू अ लॉट। मुझे मेरे भाई ने लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाई है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज के लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने आप को पेश कर पाए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और अगर आप लाइफ में गलत नहीं है, गलत काम करके पैसे या गलत काम करके कोई चीज कर नहीं रहे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके सामने कितना भी रईस बंदा या पावरफुल बंदा हो, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, उसके सामने भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं अगर लाइफ में आप गलत नहीं हो तो। और मुझे ये लाइफ जर्नी शेयर करने में बहुत मजा आया। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज मी योर बॉय डीप लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन।